यू नो कंपैरिजन बहुत है आज के समय अगर मेरा नेबर का बच्चा ये क्लास जा रहा है तो मुझे भी बेचना है केयरिंग की जब हम बात करते हैं टाइम स्पेंड के साथ केयरिंग की एक बात आती है केयरिंग की भावना होती है बट कभी कभार अगर वो केयरिंग थोड़ा ज्यादा हो जाए तो दैट चाइल्ड माइट बिकम ओवर टाइम वो सभी सिचुएशंस में फिर वो एक सपोर्ट ढूंढेगा एंड कभी कभार अगर वो कैरिंग कम आ जाए तो वर्ल्ड माइट लुक एट इट लाइक इट या <laughs> ध्यान नहीं दे रहे so, नमक की तरह है ऑनेस्टली अगर मैं आपको तो बताऊँ कि खाने में नमक ज्यादा पड़ जाए या कम पड़ जाए स्वाद दोनों में बिगड़ता है तो वो राइट बैलेंस क्या होता है आपके एक्सपीरियंस के साथ हमारा एक और केस आया था छः साल के बच्ची थी ना ऑब्वियसली छः साल के बच्चे से आप you know, यू नो इतना विजडम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते मतलब यू you नो know, एक हमने यूजली देखा है मॉम्स आर ऑलवेज इन इंस्ट्रक्शनल मोड एंड बच्चों को पाँच साल छः साल के बच्चों को तो मस्ती ज़्यादा चाहिए मैंने कहा यू मेक इट प्लेफुल ना यू गो डाउन टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड आप एक कुछ विजुअल चार्ट बना दो कि भाई ये डे वन है डे टू है डे थ्री डे फोर अगर वो अपना एक्टिविटी करती है आप उसको स्टार दे दो अगर उसने सेकेंड एक्टिविटी की विदाउट यू रिमाइंडिंग सो यू यू एन इंसेंटिव ऑफ वन स्टार थ्री स्टार्स एंड एट द एंड ऑफ द वीक यू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स एंड हर एक जो काउंट है उसके लिए इसके क्या गिफ्ट मिलेगी सो दैट वर्क वेरी वेल सो वेलकम वंस अगेन व्यूअर्स टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द ध्रुव गज्जर शो आज का एपिसोड हर उस इंसान के लिए खास है जो अपनी लाइफ में अपने सबसे क्लोजेस्ट पर्सन से सबसे ज़्यादा प्यार करता है दैट इज़ हम सभी की मदर्स और मॉम्स दोस्तों आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो जुड़ने वाले हैं उन्होंने पिछले दस सालों में कई हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ काम किया है उन्हें कोच किया है उन्हें ग्रूम किया है, ग्रूम किया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाइफ स्किल्स में और उन्होंने उस पूरे एक्सपीरियंस से एक चीज़ पाई कि स्टूडेंट्स की सक्सेस बच्चों की सक्सेस असल में उनके हॉबीज़ या उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं लाई करती उनकी सक्सेस लाई करती है उनकी कनेक्शन उनके मदर के साथ जो है उसमें क्योंकि मॉम एंड चाइल्ड ये एक ऐसा रिलेशन है जो सालों साल तक चेंज नहीं होता इसीलिए हम कहते हैं कितने भी बड़े हो जाएं हमारी माँ के लिए तो हम छोटे ही बच्चे रहेंगे तो वो जो रिलेशन है उस रिलेशन के ऊपर उन्होंने थोड़ा इनडेप्थ स्टडी किया उन्होंने पूरा रिसर्च किया उन्होंने अलग अलग रिसर्च कंडक्ट किए कि जहाँ पर वो सिंक्रोनाइजेशन बैठा हुआ है बिटवीन द चाइल्ड एंड देयर पेरेंट एंड देयर मदर वहाँ पर जो रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं दो देज़ आर फार बेटर देन जहाँ पे पेरेंट और मदर मदर uh, और चाइल्ड के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो उस सिंक्रोनाइजेशन पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया एंड आज वही एक्सपीरियंस हम जानने वाले हैं सो हेल्प मी इन वेलकमिंग वन एंड ओनली संध्या बजाज जी संध्या जी नमस्ते वेलकम टू द पॉडकास्ट इट्स रियली गुड टू हैव यू हियर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर इट्स अ प्लेजर थैंक यू मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने हाउ डिड यू कम टू दिस पॉइंट के सिंक्रोनाइजेशन जो है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस हाउ डिड यू कम टू दैट पॉइंट जो हमारा जो एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी क्लास में जो एजुकेशन दी जाती है जो टीचर भी अगर क्लास में अगर फिफ्टी किड्स है टीचर इज इम्पॉर्टिंग द सेम एजुकेशन बट कोई बच्चे हैं सब बच्चे तो टॉप नहीं करते हैं देर विल बी अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास में वन टू टेन रैंक के बीच में आएंगे एंड यही चीज़ हमने क्लासेज में भी देखी कि जहाँ पे मॉम और चाइल्ड सिंक में अगर हम असाइनमेंट्स दे रहे हैं वर्कशीट्स दे रहे हैं अगर मदर ओवर है कि स्कूल का काम है फिर क्लासेज का काम है अगर वो असाइनमेंट्स नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस नहीं हो रही अगर वो प्रैक्टिस नहीं हो रही तो चाइल्ड क्लासेस में आके ही इज़ जस्ट फिजिकली प्रेजेंट बट ही इज़ नॉट एबल टू गो एट द पेस एट विच वी आर गोइंग जहाँ पे मॉम थोड़ी सेटल्ड है रिलैक्स्ड है बैलेंस्ड है वो समझ सकती है कि सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस है चाहे स्कूल हो चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास हो चाहे हमारा लाइफ स्किल्स अकेडमी हो सब चीज़ की एक अहमियत है एंड दोज असाइनमेंट्स आर गिवन फॉर अ रीज़न एंड वो अगर अपने बच्चे के साथ सिंक में जाती है तो वहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं एंड जब मैं ये कहती हूँ कि असाइनमेंट्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट असाइनमेंट्स ना आप कुछ भी देख लो मतलब अगर मदर एंड चाइल्ड आर इन सिंक आप देखेंगे वो फैमिली भी इट्स उनका जो प्रोग्रेस है इट्स एट अ वेरी डिफरेंट लेवल दे आर एबल टू डू अ लॉट मोर बिकॉज ऑल आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज सो दिस कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो जब हम सिंक की बात करते हैं सो इज इट लाइक सिंक ऑफ माइंड और सिंक ऑफ के लास्ट में हमारा ये गोल है तो वो गोल्स का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए या माइंडसेट्स का सिंक्रोनाइजेशन है या प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन है किस सिंक्रोनाइजेशन की हम बात करते हैं अगर माइंडसेट सिंक में है तो प्रोसेस भी सिंक में होगा और गोल भी सिंक में होगा बट अगर एज आई बोथ आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज तो वो नहीं होगा अगेन माइंड सेट सिंह में तब होगा जब मदर इज कनेक्टिंग विद द चाइल्ड बिफोर करेक्शन लाइक हम हमेशा बॉन्डिंग पे बहुत एम्फोसिस देते हैं हम हमेशा कनेक्शन पे बहुत एम्फोसिस देते हैं एंड वी बिलीव इन कनेक्ट बिफोर करेक्ट अगर आप बार, बार बार बच्चों को टोकेंगे hmm. या उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाएंगे तो एक लेवल के बाद तो अगर बच्चे को पता भी है उसकी गलती है वो बट नेचुरली मदर से कनेक्ट ही नहीं करेगा hmm. तो इवन दो मदर हैज अ क्लीन इंटेंट टू करेक्ट द चाइल्ड बट द अप्रोच एंड द वे इट इज कमिंग फॉरवर्ड वो पूरा प्रोसेस को स्पॉइल hmm. कर देता है सो डेफिनेटली माइंड सेट तो सिंक में होना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड जहाँ पे वो उनका अब्जॉर्बिंग माइंड सेट है hmm. उनके लिए स्कूल में तो चलो टीचर्स है ही हैं एज अ रोल मॉडल बट इट स्टार्ट मतलब जो बच्चा पहला तो घर में अपने पेरेंट्स को खास करके अपनी मॉम को ही अपना रोल मॉडल hmm. समझता है तो यहाँ पे जो मदर है उनका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट hmm. है ट्रू एंड इसी तो कहते हैं ना मतलब बॉलीवुड ने काफी डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है hmm. कि तेरे ही लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ा है सो अल्टीमेटली दैट प्रूव्स के कहीं ना कहीं बच्चों का जो करियर ग्राफ होता है मॉम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो ग्राफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए बिकॉज सबसे ज्यादा समय hmm. वो उन्हीं के साथ यू नो स्पेंड करते हैं एंड जब हम टाइम स्पेंडिंग की बात करते हैं तो दैट ब्रिंग्स मी टू माय अनदर क्वेश्चन के आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा होगा मैंने भी देखा है ये चीज के अगर कैरिंग की जब हम बात करते हैं टाइम स्पेंड के साथ कैरिंग केयरिंग की, की भावना होती है बट कभी कभार अगर वो कैरिंग थोड़ा ज्यादा हो जाए तो दैट चाइल्ड माइट बिकम ओवर पेम्पर्ड वो हुँ। सभी सिचुएशंस में फिर वो एक सपोर्ट ढूंढेगा एंड कभी कभार अगर वो केयरिंग कम आ जाए तो वर्ल्ड माइट इट लाइक इग्नोरेंस या या <laughs> ध्यान नहीं दे रहे तो हाँ, नमक so, हाँ। नमक की तरह है, honestly, अगर मैं आपको कि में में ज़्यादा पड़ पड़ जाए या कम पड़ जाए कम स्वाद दोनों बिगड़ता है तो वो राइट right बैलेंस क्या होता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से so, see, right balance, uh, अगर आज का अगर हम देखते हैं मॉम्स आर वर्किंग आर वर्किंग फ्रॉम होम और आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस बट दे आर वर्किंग तो बेसिकली मैटर क्या करता है कि आप बच्चों के साथ डेली कनेक्ट होना जरूरी है तो जब हम डेली कनेक्ट करें हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को बस आप, आप माओ को खास करके hmm. सारा काम छोड़ के आपको पूरा टाइम बच्चे के पीछे जाना ऐसा नहीं है इट इज़ अबाउट दोज इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स वैन द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल वैन ई इज़ कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल वेन यू आर लाइंग डाउन एंड जस्ट रिलैक्सिंग विद द चाइल्ड वेन यू जस्ट वाइंडिंग अप द डे रैपिंग अप द डे एग्जाम्स के वक्त खास करके जब बच्चे कभी कभार बीमार रहते हैं दैट इज़ द टाइम व्हेन द मदर नीड्स टू बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली प्रेजेंट अगर आप सिर्फ फिज़िकली प्रेजेंट हैं बट आप वो इमोशनली आप अपना बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं बैठता hmm. तो बैलेंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है एज यू राइटली सेट अगर वो ओवर हो जाता है तो कभी कभी हम कहते हैं ओवर पैम्परिंग हमारे लैंग्वेज में ओवर पैम्परिंग है बट बच्चे के लैंग्वेज में ओ शीज़ यू नो नैगिंग मी ऑल द टाइम यू नो सो दैट इज मेनी टाइम्स नॉट टेकन वेल बाय द चिल्ड्रेन ऑल्सो और अगर आप टीन की बात लेंगे ओ माई मॉम इज ऑन माई हेड ऑल द टाइम आई डोंट गेट एनी स्पेस <laughs> so, uh, maybe the mother's intent might not be that. But the thing is, anything that is over is not acceptable mm. and is not appreciated. Anything that is. Uh, टू बी देर यू नो जस्ट पेइंग द स्कूल फीस और यू नो जस्ट बाइंग द बुक्स और जस्ट सेंडिंग फॉर क्लासेस दैट विल ऑल्सो नॉट हेल्प क्योंकि माँ को तो पता ही नहीं कि मेरा mm. बच्चा कैसे कर रहा है वो तो जब भी बाद में रिपोर्ट कार्ड आता है तब उनको पता चलता है okay. तो जो उनकी स्ट्रगल्स है या जैसे हम कहते हैं स्पोकिन वर्ड्स एंड अनस्पोकिन वर्ड्स ये दोनों को दोनों चीज़ों का माँ को डेफिनेटली पता होना चाहिए क्योंकि मैनी टाइम्स सम चिल्ड्रेन आर नॉट एक्सप्रेसिव एंड अगेन ये कंडी पे भी डिपेंड hmm. होता है ये आपके रिश्ते पे भी डिपेंड होता है कि आपने बच्चे को कितना कंफर्ट लेवल दिया hmm. है आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए oh. और ये भी हो सकता है अगर आपने दिया भी है द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो मे बी ही जज्ड सो ही मैटर क्या करता है

फ्रीडम हाँ। यानी कि मतलब मेजर्ड फ्रीडम कैलकुलेटिव फ्रीडम तो वो उसके कैरेक्टर को एक अच्छे फॉर्म में लेके जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ। अगर उसको जैसे आई गिव एन मेरे एक अंकल है सो हाँ। so, जब किसी सुपरमार्केट में जाते हैं ना तो बच्चों हाँ। को आदत होती है कि वो मनचाई बिस्किट्स उठा लेते हैं टॉफी हाँ। हाँ। उठा लेते हैं सो हाँ। so, उन्होंने एक हैबिट शुरू किया एवरी टाइम टू द सुपरमार्केट मार्केट वो उसे फाइव डॉलर दे देते कि ये पांच डॉलर तेरे हाँ, पूरी सुपरमार्केट में से जो लेना है वो ले ले हाँ, पांच डॉलर तक का यू वांट टू बाय फाइव हंड्रेड चॉकलेट्स और फाइव हंड्रेड चॉकलेट से यू वांट टू बाय वन टॉय यू बाय वन टॉय यू वांट टू बाय फाइव बिग चॉकलेट्स यू बाय फाइव बिग चॉकलेट्स योर डिसीजन सो ये एक थोड़ा फ्रीडम दिया so वहाँ पे बच्चा अभी डिसीजन मेकिंग कर रहा है। एक्जैक्ट तो वो एंड कॉन्स मेजर कर रहा है कि खिलौने का एंड कॉन्स क्या है चॉकलेट का एंड कॉन्स क्या है हुँ. तो जैसे एक एग्जांपल हो गया हुँ. वैसे वर्क फ्रॉम योर एक्सपीरियंस शुड द पेरेंट्स डू या शुड मॉम्स डू ये mostly actually आता है में भी अगर हम uh, सब चीजों को अगर माइक्रो मैनेज करेंगे hmm. तो अगेन कहाँ ना कहाँ वो बच्चे इरिटेट होते हैं। तो आई थिंक कुछ डिसीशंस हमें बच्चों पे बच्चों को बताने चाहिए कि भाई दिस इज माय एक्सपेक्टेशन इट इज अबाउट सेटिंग वेरी क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड कुछ चीज़ें बच्चों पे छोड़ दी हमने कि चलो अभी आपका जो है यू नो मंडे टू संडे है hmm. तो एटलीस्ट uh, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप मंडे टू फ्राइडे चलो अपना स्टडी कर लो सैटरडे uh, आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर लो या अगर बाकी के दिनों में भी वो स्प्रेड है एंड संडे यू कैन टेक अ डे ऑफ ना अगेन उसमें भी वेल well डिफाइंड होना hmm. चाहिए कि अगर मंडे टू फ्राइडे कह रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ हम उसमें वो ट्यूशन एंड स्कूल नहीं करें हम कह रहे हैं कि इट हैज़ टू बी वन आवर और डिपेंडिंग वन एंड हाफ आवर ऑफ फोकस्ड स्टडी

बट क्या वो बच्चा इज इज इट इट टेकिंग अप वेरी वेल बाय द चाइल्ड बिकॉज इफ इट्स नॉट अप तो अगेन फिर वो नेचर आ जाएगा लाइक like, uh, हमने काफ़ी केसेस अभी रिसेंटली मेरी एक वन टू वन पेरेंट मीटिंग में एक पेरेंट ने मुझे कहा कि अगर मेरा बच्चा मेरा काम नहीं करता या वो स्टडी नहीं करता तो मैं उसका प्ले टाइम कट ऑफ कर देती हूँ नाउ दैट वॉज बींग वेरी ह्यूमन बिकॉज वो पूरे दिन में बच्चे को सिर्फ एक घंटा मिलता है जो उसका खुद का स्पेस है अगर आप उसको कट डाउन करोगे तो कैसा लगेगा तो रादर देन पनिशमेंट आई थिंक देर शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ इट यू नो एंड अगेन जो भी आप डिसाइड कर रहे हो चाहे वो रिवॉर्ड्स हो रिक्शन हो या कुछ भी आप रूल सेट कर रहे हो आई थिंक रादर देन इम्पोजिंग वाई नॉट एंड अप विद डिस्कशन विद द चाइल्ड एंड बोथ बींग ऑन द सेम पेज तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे आपने कहा ना प्रोसेस तो जब अगर प्रोसेस इज वेल डिफाइंड एंड इट्स टेकन अप वेरी वेल बाई द चाइल्ड

कि अगर जैसे कि हमारा एक और केस आया था छः साल की बच्ची थी ना ऑब्वियसली hmm. छः साल के बच्चे से आप you know, यू नो इतना expect wisdom भी नहीं yeah, yeah. कर सकते मतलब यू you नो know, एक हमने यूजली देखा है मॉम्स आर ऑलवेज इन इंस्ट्रक्शनल मोड एंड बच्चों को पाँच साल छः साल के बच्चों को तो मस्ती ज्यादा चाहिए मैंने कहा यू मेक इट प्लेफुल ना यू गो डाउन टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड आप एक कुछ विजुअल चार्ट बना दो कि भाई ये डे वन है डे टू है डे थ्री डे फोर अगर वो अपना एक्टिविटी करती है आप उसको स्टार्स दे दो अगर उसने सेकेंड एक्टिविटी की विदाउट यू रिमाइंडिंग गॉल सो यू गिव हर एन इंसेंटिव इंसेट ऑफ वन स्टार यू गेव हर थ्री स्टार्स एंड एट द एंड ऑफ द वीक यू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स एंड हर एक जो काउंट है उसके लिए इसके क्या गिफ्ट मिलेगी सो दैट वर्क वेरी वेल तो मैनी टाइम्स ये हो जाता है कि हम जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि द चिल्ड्रन टेक पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं है इवन पेरेंट्स टेक चिल्ड्रेन फॉर ग्रांटेड अज्यूमिंग दैट देर अडल्टो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस टू गो डाउन टू देर लेवल कि वो कौन सी भाषा समझते हैं उनको क्या पसंद है एंड एनी थिंग वैन यू स्ट्रक्चर अराउंड दैट विल्स इनफैक्ट दैट हेल्प इन

उसमें देर लिस्ट ऑफ टास्क अगर आप ये करेंगे तो आपका एक पॉइंट कट होगा hmm. तो आपका टेन पॉइंट कट होंगे तो आपको प्राइस हमने <laughs> के बार्टर सिस्टम है कि मैं वो खुद विलिंगनेस आती है, आती है exactly. करने के लिए काम करने के लिए में अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं hmm. या फिर किसी भी हॉबी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करते हैं सो आजकल वी आर सीइंग अ ट्रेंड मतलब स्पेशली इफ यू सी द किड्स ऑफ टूडे दे आर वेरी मच बिजी यस सो मॉर्निंग में स्कूल दोपहर में स्कूल से घर आते है छोटे बच्चों को ट्यूशन ट्यूशन क्लासेस हैं ट्यूशन के बाद चेस चेस के बाद क्रिकेट क्रिकेट के के बाद बाद स्विमिंग स्विमिंग फुटबॉल फुटबॉल के बाद डांस डांस के बाद घर पे तो आई आई कभी कभार मैं ऑफिस से जब घर आता हूँ माय ऑफिस आई सी किड्स कमिंग बैक एट द सेम टाइम एंड जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ आई सी किड्स गोइंग देम कि मेरे जैसे ऑफिस में काम करते हैं ना तो ऑफिस टाइमिंग का इनका काम है एंड वो जब वापस आते है ना तो उनका चेहरा, चेहरा। इतना <laughs> डल होता है की इसका अगर बैग मैंने यहाँ पे उठा लिया ना ये बेचारा यही पे सो जाएगा सवाल आता है की कि कितनी एक्टिविटीज उसमें से ऐसी है जो बच्चा विलिंगली खुद की इच्छा से कर रहा है exactly. And कितनी एक्टिविटीज ऐसी है जो उसपे इम्पोज की गई है बिकॉज ऑफ यू नो आई माइट कॉल इट अनफुलफिल्ड लाइफ फॉर कभी-कभार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चाइल्ड सो व्हाट डू यू थिंक अबाउटन हाउ शुड मॉम्स प्ले पार्ट बिकॉज हर एक बच्चे का आई बिलीव इज यूनिक एबिलिटी जैसे मेरी यूनिक एबिलिटी अगर मैं ट्रैक करूं तो आई आई वॉज अ वेरी क्रिएटिव आई यूज टू स्केच आई यूज टू डू क्राफ्ट सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वॉज यू नो आ ड्रॉइंग क्लास

यू नो कंपेरिजन बहुत है आज के ज़माना अगर True. मेरा नेबर का बच्चा ये क्लास जा रहा है तो मुझे भी बेचना है सो आई ऑनेस्टली डोंट रेजोनेट विद दिस बिकॉज मेरे मेरी भी ये सोच है कि यू हैव टू डिस्कवर इन टर्म्स ऑफ कि आपके बच्चे की क्या इंटरेस्ट है hmm. चलो ये भी है कि आप फोर ईयर्स फाइव ईयर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर अ मॉम टू नो कि बच्चे की यूनिक स्ट्रेंथ क्या है बट अगर आपने बच्चों को ऑप्शंस दिए hmm. कि चलो बेटा ये तीन से चार क्लासेस मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं वुड यू लाइक टू ट्राई वन वन क्लास ऑफ एवरीथिंग एंड देन यू डिसाइड कि आपको क्या पसंद है सो दैट इज़ अ बेटर प्रपोजिशन रादर देन यू नो जस्ट पुटिंग द चाइल्ड बैक टू बैक बैक टू बैक विद क्लासेज क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चा तो जा रहा है ही इज बिंग एक्चुअली फोर्स टू गो बिकॉज आपने फीस पे की है एंड द बच्चा इज नॉट एबल टू रेजोनेट विद ऑल सो आई थिंक जो बेसिकली मैटर करता है इट इज ऑल अबाउट द चाइल्ड एक्सपेरिमेंटिंग एंड वेन आर सिंग एक्सपेरिमेंटिंग एक्सपेरिमेंटिंग ज़रूरी नहीं है कि आप उसको छः महीने में एक क्लास लगा दो एक दो क्लास से भी बच्चा आपको ये तो बता सकता है कि हाँ मम्मा एज ऑफ नाउ मुझे ये चीज़ करनी है hmm. फिर आप उसको एक लॉन्ग पीरियड पे करो टिल द टाइम यू मास्टर दी hmm. आर्ट जैसे कि आप कराटे ले लो या स्विमिंग ले लो कोई भी अगेन एक्टिविटी दैट इज इधर ऑन द क्रिएटिव साइड और ऑन द फिजिकल साइड कि जहाँ पे चलो वो बच्चे की ग्रूमिंग uh, भी हो रही है एंड एट द सेम टाइम एक फिजिकल वर्कआउट भी हो रहा है सो दैट मेक्स मोर सेंस

Every day evening it was like a ritual to come down to play cricket, to play football or something like that. today, in our entire society we're not even looking at we're not able to find one kid who is playing in the society in the evening Where is the time ka time is not <laughs>

माई मॉम एंड मी वी यूज टू शेयर अ कॉमन माइंड सेट के मुझे खेलते हुए अगर कोई भी इंजरी हो गई लग गया सो एवरी वन इन दी हाउस वॉज इन पैनिक मोड के लग गया इसको लग गया खून निकल रहा ही हो रहा है ऑलमोस्ट लाइक like, तो क्या तो क्या एब्सोल्युटली <laughs> खेलता है लग hmm. 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 Okay. Hmm. 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 लगा है ओके हम्म पैर धो ले जाके लगा हुआ है तो एब्सोल्युटली सो मॉम वाज ऑलवेज दैट एंड समाओ आज वो भी मेरे में भी वही चीज आई है कि अगर हाँ चलो खेलते हुए लग गया कुछ भी हो गया तो क्या है ना मतलब वो सब मतलब exactly. so, कहीं ना कहीं वो दैट कॉन्फिडेंस kind of के भाई कम वोट में फिगर आउट करके रास्ता निकाल के आगे तो बढ़ी जाएंगे Absolutely. Absolutely. So, कि आप थोड़ा बहुत कुछ चीजों में आप ध्यान रखें कुछ चीजों में आप छोड़े बिकॉज अगर सभी चीजों को आप कंट्रोल करने जाएंगे ना देन I would not call that a child. I would call that a software. Absolutely, absolutely. <laughs> you want a software to run according to you. Exactly. But where uh, creativity destroy हो जाएगी. Creativity destroy हो जाती है और जिससे आपने कहा वो बहुत सही बोला आपने. कि सम थिंग्स यू जस्ट एज अ मॉम यू हैव टू लेट गो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मॉम्स कंट्रोल फ्रीक रहते हैं hmm. तो वो बच्चे की हर एक डिसीजन में उनकी डिसीजन होती है द चाइल्ड जस्ट हैज टू फॉलो तो आगे चल के इवन दो द चाइल्ड इज 18 या 25 एंड 30 ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मॉम फॉर फॉर गैट द मेजर डिसीशंस एवन द स्मॉलेस्ट डिसीशंस तो एज अ मॉम मुझे लगता है कि ये आपका इंटेंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसा बचा चाहिए डू यू वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट चाइल्ड डू यू वॉन्ट अ चाइल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल नाफ और डू यू जस्ट वॉन्ट योर चाइल्ड टू कम अपू यू फॉर एवरी लिटिल थिंग क्योंकि आपकी जो पेरेंटिंग स्टाइल होगी वही अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इज गॉन अब ई फॉस्टर हिज थिंकिंग प्रोसेस क्स अ लॉर्ड ऑफ डिफरेंट जैसे की आप जैसे कि हम बात करते हैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक तो आप इनडायरेक्टली बच्चे को भी बस यही कर रहे हो कि आगे चल के आपको भी लाइफ में बस hmm. यही करना है तो उसमें क्या हो जाता है तो इवन दो द चाइल्ड और द अडल्ट लेटर इवन दो ही इज वर्किंग ही इज मेकिंग गुड मनी ही हैज अ फैमिली बट देयर इज नो इनर पीस एंड सेटिस्फैक्शन क्योंकि यू हैव एवरीथिंग बट एट द एंड ऑफ इट इफ यू डोंट हैव इनर पीस इट मेक्स नो सेंस ट्रू एंड दिस इज आल्सो बिकम लाइक अ वेरी कॉमन ट्रेंड मतलब

वो बॉन्डिंग मोमेंट्स नहीं रहे एब्सोल्युटली एंड दैट दैट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज द किड स्टार्ट्स किड वांट्स कंफर्ट बच्चा जो है उसको कंफर्ट चाहिए होता है और hmm. अगर उसको फिर वो कंफर्ट वहां से मिलना नहीं लगता है ना तो वो hmm. टैबलेट और आईपैड को अपना कंफर्ट बना ले करेक्ट ट्रू दैट इज व्हाट आई फील तो व्हाइल टेक्नोलॉजी इज गुड

वर्ड्स में कॉल द डिफरेंस वर्ड्स का री पावर वर्ड्स का रही एनर्जी वर्ड्स का री इमोशंस एंड जो वाइब होती है मोम की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है तो मोम आई है ऑफिस से इट्स सेवन पी एम एंड ये नहीं पूछती है बच्चे से बच्चा आपका दिन कैसे गया हाउ वॉज़ योर डे एक कैजुअल कॉन्वर्जेसन एक कैजुअल चैट फिर पूछ सकते हैं ना होमवर्क के बारे में बट चीज़ लाइक सात बज गए हैं अब तक आपने होमवर्क नहीं किया टेकिंग अप वेरी वेल बाय द चाइल्ड इट्स नॉट गन अप तो या तो वो ढर के कर लेगा या तो वो डिबेल करेगा देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज बट अगर ये चीज़ को वो ये बोलती है बच्चे सात बज गए आई एम श्योर आपने होमवर्क कर लिया रहेगा मे बी मेंटली वो सेट है कि नहीं भी होगा अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं वो अप कर लेगा या तो मैं बैठती हूँ उसके साथ हो जाएगा तो ये जो टोनालिटी है कि आप कोई भी चीज़ कैसे बोलते हो पहले इंटरनली तो हर एक मॉम को पता है कि बच्चे की क्या कैपेसिटी है और बच्चा या करेगा या नहीं करेगा सो वॉट एवर इट इज़ हाउ यू पुटिंग इट अक्रॉस आपकी अप्रोच कैसी है अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली जो नहीं करने वाला बच्चा था वो भी कर लेगा और जो करने वाला बच्चा है बट वो अगर नेगेटिव रिएक्शन मॉम से देखता है मेनी अ टाइम्स द डूइंग च विल एंड ऑफ नॉट डूइंग थिंग्स बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट्स टू रिबेल एंड जस्ट वॉन्ट्स टू गिव बैक टू द मदर सो वर्ड्स मेक ऑल द डिफरेंस एंड हाउ यू से आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कि वॉट यू से डज़ नॉट मैटर हाउ यू से मैटर्स द मोस्ट जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आज हम रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ का गार्निशिंग पसंद है हमें वहाँ का एम्बियंस पसंद है हमें द वे दे कम अप विद ब्राइट डिशेज एंड द वे दे डेकोरेट द फूड वी लाइक टू ईट दैट वैसे ही जो भी हमारी कॉन्वर्जेसन होती है बच्चों के साथ अगर आप इस तरीके से प्रजेंट करते हैं कि इट्स टेकन अप इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर द चांसेज ऑफ गेटिंग थिंगस डन आर द मोस्ट एंड एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंड इवन अ मदर शुड हैव अ हैबिट ऑफ लेट गो कि अगर चलो सेवन आउट ऑफ टेन टास्क भी वे रादर देन फोकसिंग ऑन द थ्री नॉट डन इज बेस्ट यू फोकस ऑन द सेवन दैट इज डन वंस यू फोकस ऑन दैट ऑटोमेटिकली कब वो सेवन ऑन टेन टेन ऑन टेन हो जाए पता ही नहीं hmm, चलेगा like वो सेवन के लिए अगर उसे अप्रिसिएशन मिल रहा है तो मिल उसको लगेगा exactly. कि अगर मेरे को सेवन में इतना मिल रहा है तो एट में कितना मिलेगा yeah. नाइन exactly. में कितना मिलेगा exactly. and that will increase the probability of the tasks getting done more easily. Correct, absolutely. And there is one more thing when it comes to the relationship between mom and child, it is a mom's role in inter sibling relationship. अगर दो भाई बहन हैं या भाई हैं दो या दो बहने हैं, तो वहाँ पे भी माँ का रोल क्या रहता है उन दोनों siblings के relationship की because

जो बड़ा बच्चा है आप आप शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दो ना आप अगर बड़े बच्चे को कहते हो कि भाई चलो ये तो छोटा है आप तो समझदार हो एंड ऑफ कोर्स यू आर द वन हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ एम मैं तो हुई हूँ बट अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो हु इज़ गोइंग टू टेक केयर हुज़ गोइन अ टेक चार्ज अगर आप शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो यू मेक द चाइल्ड फील इंपॉर्टेंट तो वो भले मस्ती करेगा बट एट द सेम टाइम ही विल इंश्योर दैट द लिटिल वन इज टेकन केयर ऑफ यू नो ही मेक श्योर दैट द नोल मील ऑन टाइम द होमवर्क इज ऑन टाइम बट अगर वो एक मदर एक अथॉरिटेटिव नेचर है कि मुझे ही सब देखना है मुझे ही सब संभालना है मुझे ही दोनों बच्चों को कर सब चीज़ों का ध्यान देना है तो फिर वो कहाँ ना कहाँ वो बड़े बच्चे पे तो कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तब नहीं आएगी तब तो जब वो बड़ा होगा तब भी नहीं आएगी क्योंकि नहीं हमने वो कल्चर ही नहीं डेवलप किया है घर में और वो माइंडसेट ही उसका डेवलप नहीं किया क्या हो जाता है जब भी हम घर में कोई पेट रखते हैं तब कैसे बच्चे कैसे बिहेव करते हैं तब वो कैसे विलिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड वो समझते कि हाँ ये पेट हमने लिया है तो ऑफकोर्स देर इज नो कंपेरिजन बट द पॉइंट इज अबाउट शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एल्डर वन दैट ओके फाइन ही इज़ माई लिटल वन एंड आई बी देयर फॉर हिम तो वो जब बच्चे बाहर भी जाते हैं खेलने के लिए ही विल इंश्योर दैट द लिटिल वन इज़ इन सेफ हैंड्स अगर कुछ लग भी गया तो बिफोर माई पेरेंट्स कम और समबडी एल्स कम्स टू अटेंड टू माई यंगर वन आई कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड जब हम पेरेंट और चाइल्ड या स्पेशली मॉम एंड चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम बट ज्यादातर बच्चे अपनी मदर्स के साथ बात करने में ज्यादा कम्फर्टेबल होते हैं hmm. बट वो जो कम्फर्ट है ना वो ओवर द टाइम कम होता जाता है छोटा होता जाता है वो कम्फर्ट लेवल hmm. तो वॉट शुड बी डन फ्रॉम द चाइल्ड्स परस्पेक्टिव और द मॉम्स परस्पेक्टिव कि वो चैनल ओपन रहे वो चैनल क्लोज ना हो जाए छोटी ना हो जाए इवेंचुअली करेक्ट mm -hmm. ये तो बात मैं हंड्रेड परसेंट आपके साथ अग्री करूंगी बिकॉज़ वेन द चाइल्ड इज बॉर्न द मॉम इज़ ऑल सेट ऑल एक्साइटेड बट जैसे ही समय बीते जाता है वो जो फासला होता है वो भरते जाता है ना ये क्यों होता है पहले तो ये समझना ज़रूरी है बिकॉज इनिशली वैन द चाइल्ड इज बॉर्न जस्ट अ बेबी तो बच्चे तो सबको पसंद है बट जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है जब वो स्कूल जाता है जब वो कॉलेज जाता है होता क्या है द चाइल्ड इज बिंग जज एट ऑल टाइम्स तो फॉरगेट मे बी यू एज अ मॉम यू आर नॉट जजिंग बट योर स्पाउस योर इन लॉज जो टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं आपके ट्यूशन टीचर्स हैं तो वो आपको फीडबैक देते हैं तो पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको उनसे फीडबैक लेना है देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट बट यू डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे और यू डोंट हैव टू गेट इन्फ्लुएंस्ड होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट किसी ने आके आपको कुछ कह दिया आपके बच्चे के लिए आप तुरंत रिएक्ट करते हो तो उससे क्या हो जाता है जो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस था अपनी मॉम को लेके कि हाँ मैं अपनी मॉम को सब कुछ बता सकता हूँ वो कहाँ ना कहाँ वो बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है एंड देन आई दस एज आई सेड इट्स ऑलवेज टू थिंग्स आई विल विदड्रॉ और दे गेट रिबेलियस तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मॉम टू अंडरस्टैंड that I am a mom first, and then these people came in. तो जब वो उस angle से सोचती है और आई वुड रादर से कि वो रिएक्ट नहीं करने के रिएक्ट नहीं करती है और रिस्पोंड करती है वह शी अंडरस्टैंड द होल सिनारियो शी टेक्स द चाइल्ड इन प्राइवेट एंड शी सेज कि देखो मुझे ना ये सब इन्होंने कहा है ठीक है इन्होंने जो कहा वो तो ठीक है बट आई वॉन्ट टू हियर थिंग्स फ्रॉम यू आपका पर्सपेक्टिव क्या है एक्चुअली सिटुएशन क्या थी आपने क्या कहा और अगर चलो बच्चा गलत भी है बट इवन इफ यू जस्ट से दिस स्टेटमेंट दैट वेदर योर राइट और वेदर योर रोंग आई एम विथ यू तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है साहस मिलता है कि हाँ चलो मैंने गलती की बट आइंदा मुझे ये नहीं करनी है तो वो ओपनली बच्चा अपना बात भी बोल पाएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट्स नॉट अबाउट यू मेकिंग द चाइल्ड रियलाइज दैट ही इज़ रॉन्ग इट्स बेटर वैन द चाइल्ड रियलाइजेज़ ऑन इज ओन डेट दिस इज़ वेर आई वेंट रॉन्ग

तो हाउ डू यू थिंक वेन इट कम्स टू किड्स शुड मॉम्स और पेरेंट्स डील विथ इट और हाउ कैन दे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर बच्चे बात नहीं मानते तो ये समझना बहुत जरूर कि वो बात क्यों नहीं मानते क्योंकि हम भी तो उनकी बात नहीं सुनते ना अगर बच्चा मुझसे बात कर रहा है हाँ बोलो मम्मा आज स्कूल में हाँ ठीक है मम्मा आज हिस्ट्री होमवर्क है हाँ तो मैं क्या करूँ यू गेट इट सो आई एम वेरी इन डिफरेंट टू द चाइल्ड तो जब बच्चा अगर अपनी बात कह रहा है एम आई कीपिंग दैट आई कॉन्टैक्ट एम आई लुकिंग एट हिम एम आई लीविंग माई वर्क असाइड एंड लिसनिंग टू द चाइल्ड तो अगर मैं नहीं कर रही हूँ आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई चाइल्ड टू डू द सेम तो डिबेल हम कहते हैं अगेन इट्स अ लेबल लेबल हो गया करेक्ट तो अगर लेबल्स देना ही है ना बच्चों को तो अच्छे लेबल्स दो ना मतलब ये हम क्या करते हैं हम हमारे क्लासेस में भी एक हम इसमें बहुत बिलीव करते हैं जैसे हमारे एक स्टूडेंट है अंश हम उसको ओसम awesome अयांश बोलते हैं एक बच्ची है सेविका हम उसको सुपा सेविका बोलते हैं मेरा खुद का चाइल्ड वेदांत आई कॉल हिम वर्सेटाइल वेदांत मेरा कहने का मतलब कि अगर लेबल देना ही है तो एक पॉजिटिव री या एक इम्पावरिंग एडजेक्टिव दे दो अगर वो नहीं भी है तो वो बन जाएगा राइट right. तो जब आप उनको ऐसे वर्ड्स अटैच करते हो एंड यू स्टिक टू इट विदाउट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर चाइल्ड विल लिसन टू यू तो अगर बच्चे नहीं सुनते तो पहली बात तो ये समझना है कि आपने कब शांति से बैठ के हंड्रेड परसेंट फोकस एंड अटेंशन से आपने अपने बच्चे की बात सुनी

So, what do you think should moms do in order to de-stress themselves or to take care of uh, their mental well-being, so that they can work on themselves as well as their kids? Correct. तो ये समझना ना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि मॉम हैज़ तू नर्चर हर्सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। अनफॉर्च्युनेटली इंडिया में या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमें बड़ों ने सिखाया है कि एज अ वूमेन सिर्फ आपको गिव 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 करना है आई सम हाउ डोंट रेजोनेट विद दिस आई ऑलवेज बिलीव दैट इट हैज टू बी अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम टी कप दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल तो आप भले फैमिली के लिए करो द इज नथिंग रॉन्ग एंड आई फील कि जो भी करो बहुत दिल से करो बट एट द सेम टाइम वॉट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ क्योंकि अगर आप सिर्फ दे रहे हो और आप खुद अंदर से टूटे हुए हो या ड्रेन हो या एग्जॉस्टेड हो यू आर नॉट गॉयन बी गिविंग योर बेस्ट सो वेदर इट इज इवन कम्युनिकेटिंग विद अ चाइल्ड और जस्ट टेलिंग योर चाइल्ड बाय वेन ही इज लिविंग फॉर स्कूल इवन दैट बाई इज गा बीनिकेट फ्रॉम अ टायर्यड फेस वेद द वाइब इज नॉट गोय गेट ट्रांसफर तो मेंटल वेलबींग के लिए ये मेरी बिलीफ एंड आई पर्सनली डू इट आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव इन दिस दैट योर फर्स्ट आवर ऑफ़ द मॉर्निंग इज योर आवर ऑफ़ पावर तो वो आवर ऑफ़ पावर चाहे आप एक घंटा थोड़ा जल्दी उठ ले आप थोड़ा मेडिटेशन कर लो आप जर्नलिंग कर लो आप ग्रैटिट्यूड कर लो एनी थिंग दैट मेक्स यू कनेक्ट टू योर सेल्फ एंड यू फील इम्पावर्ड एंड एनर्जाइज बिकॉज वो आपने सुबह कर लिया दैट एनर्जी इज वि एंटायर डे बिकॉज एट एंड ऑफ़ द डे आप फैमिली के लिए भी कर रहे हो आप अपने वर्क uh, वर्क में भी आप वही वाइब लेके जा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड अगेन आई ऑल्सो बिलीव कि सेल्फ केयर की जो हम बात करते हैं या सेल्फ लव की जो हम बात करते हैं ये हर एक इंडिविजुअल का अपना वे ऑफ लुकिंग आर थिंग लाइक सम वुड जस्ट लव लिसनिंग टू म्यूजिक Some would just love being all alone and you know, just grabbing a cup of coffee. Some would like to just hit a coffee shop and catch up with a friend. Yeah, just speaking on the phone with the mom or a best friend. बट जो भी है इट हैज़ टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस अगर हम कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिलता मंडे टू फ्राइडे इतना काम है मैं सैटरडे संडे करूँगी तो भाई समझ लो तो मंडे टू फ्राइडे आपकी वाइफ डाउन ही होने वाली क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए तो मैंटल वेलबींग well रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम खाना खाते हैं हम काम करते हैं हम सोते हैं हम बच्चों से कनेक्ट करते हैं ये चीज़ दिस हैज टू बी टॉप ऑफ द लिस्ट ये है देन एवरीथिंग फॉल्स आउट बट ये ही नहीं है तो कुछ और आप करोगे बट दैट विल बी इन सर्वाइवल मोड दैट इज जस्ट अगेन यू नो लिविंग अ मीडियोकर लाइफ यू आर यूर जस्ट फुलफिलिंग ड्यूटीज बट यू आर नॉट फुलफिलिंग ड्यूटीज आउट ऑफ लव एंड पैशन तो ये एक डिफरेंस uh, मॉम को समझना बहुत ज़रूरी है एंड आई ऑल्सो बिलीव अगर आप नोटिस uh, करेंगे मॉम स्पेल्ड बैकवर्ड इज वाओ

एज अ पर्सन यू आर नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली एंड वर्क बट यू आर एक्चुअली गिविंग डिरेक्शन टू समन होम यू बॉट इन लाइफ तो अगर आपकी वाइब ही डाउन है तो आप बच्चों को डायरेक्ट कर ही नहीं पाओगे सो मैजिकल मॉम का कॉन्सेप्ट यही है दैट यू हैव द पावर इन यू टू आई ऑलवेज कॉल इट यूज योर मैजिक पॉन्ड तो यूज योर मैजिक पॉन्ड तभी होगा जब आप अपनी वाइब बनाएंगे एंड ये देखा गया है इनफैक्ट आई थिंक एवरी बडी एम श्योर इवन यू विल अग्री विद मी ऑन दिस आई हैव डन इट हम मॉम की ना इंस्ट्रक्शंस कम सुनते हैं हम उनके एक्शन ज़्यादा फॉलो करते हैं राइट right? अगर जो मेरी मॉम करती है मैं भी करूँगी सो एज चिल्ड्रेन इट्स अ इट्स अ बिग टेंडेंसी दे विल सी एंड दे फॉलो मिरर इट यस दे विल मिरर इट तो अगर आपका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रोंग है पावरफुल है आप अपने गोल्स अचीव रहे हो आप स्ट्रेटेजिक हो आप प्रिसाइज हो आप बैलेंस्ड हो ऑटोमेटिकली आप सिखाओ या ना सिखाओ योर चाइल्ड इज गोइंग टू डू इट तो आई ऑलवेज बिलीव कि अगर मॉम ने अपनी वाई भाई रखी एंड अपना मैजिक एंड मेरिकल यूज़ किया तो बच्चा तो डेफिनेटली वो फॉलो करेगा बट इसके एडवांटेजेस बहुत हैं आई क्योंकि अगर मॉम और चाइल्ड सिंक में है तो ऑब्वियसली स्पाउस कहा जाएगा <laughs> अगर स्पाउस बच्चा और मॉम सिंख में है तो इन लॉज कहाँ जाएंगे मतलब कहने का मतलब क्या है द होल फैमिली या जो भी वो फैमिली से जुड़े हुए हैं दे स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव एंड प्रोग्रेस एंड अगर आप इमोशन इमोशनल क्वेश्चन में भी देखेंगे सबसे ऊपर जो इमोशन आता है वो है लव का दैट्स वॉट ड्राइव्स एवरी थिंग एट दी एंड ऑफ द डे तो एक मोम अगर अपना मैजिक और मेडाकल यूज करती है शी इज ऑल्सो एबल टू मैनिफेस्ट अ लॉट इन अ लाइफ करेक्ट एंड दिस एम आई बिलीव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एल्फेबेट अगर आप देखेंगे एम से मोम आ जाता है एम से मोटिवेशन आता है एम से माइंड सेट आता है एम से मेडिटेशन आता है एम से मैनिफेस्टेशन आता है एम से मंत्र आता है एम से माइंडफुल आता है तो अगर वो अपने इंस पावर्स को डेली एनहेंस करे शी कैन चेंज द इंटायर डायनामिक्स ऑफ द फैमिली तो दिस इज दिस इज़ वॉट द होल आइडिया ऑफ अ मैजिकल मोमेंस एंड अगेन सिर्फ बोलने से नहीं होता इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस इट इज़ अबाउट डू यू बिलीव योर अ मैजिकल मोम ये उसमें बिलीव करना है उसमें विश्वास रखना ज़रूरी है True. Initially things may not go in your favor. It's okay. But जब वो बोलते हैं और करते हैं और practice करते हैं तो obviously you're gonna see the results over a period of time. True. true, true. Hmm. So Sandhya ji, just as a concluding note, oh. if you want to share three insights oh. from your experience for all the moms out there oh. that they can implement अपनी रोज की लाइफ में वो implement कर सके वैसा hmm. Oh. तो वो क्या तीन चीजें होंगी सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट सेल्फ लव वैन यू लव योर सेल्फ यू विल ऑटोमेटिकली लव एवरी वन यू कॉन्ट पोड फ्रॉम एन एम टी कप तो ये तो बहुत जरूरी है सेकेंड थिंग इज वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी डे इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस लर्निंग हम हमेशा हमारा जो फोकस होता है ना द फोकस इज़ ऑलवेज ऑन अदर्स मेरा बच्चा क्या कर रहा है मेरा स्पाउस क्या कर रहा है मेरे घर में क्या हो रहा है योर फोकस हैज़ टू बी जस्ट ऑन योर सेल्फ When you focus on yourself, when they see you growing, when they see you progressing, automatically your child and the entire family is gonna follow. And third, I believe in this daily affirmation. If you can tell yourself, "I am a magical mom," if you have this 11 daily, look at yourself in the mirror and say it. एंड ये भी हम क्यों करते हैं क्योंकि दिस इज अगेन अ टेक्निक राइट इज बेसिकली एन एन एल पी टेक्निक जब so आप आ, हाँ, आँखे आँखे. करता है आपको तो जब भी आप लाइफ में कोई चैलेंज आया एंड आपको याद है हाँ मैंने तो कहा था एम अ मैजिकल फॉर्म तो आपकी जो थिंकिंग जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थी अभी वो सोल्यूशन ओरियंटेड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू गेट सोलूशन एंड यू विल बी इन द राइट परसपेक्टिव बिकॉज परस्पेक्टिव ही एवरीथिंग है अगर आप आप आज बोलेंगे मेरा बच्चा नोटोरियस है तो आप सोचोगे ही पर आज आप बोलोगे मेरा बच्चा मस्ती करता है ठीक है 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 सब करते हैं अच्छा है, है। आपको पता ही है नहीं है, बट, आप बोल रहे है, है, बट आपने क्या किया आपने सही इंटेंट किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेफिनेटली अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपनी डेफिनेटली करेगा absolutely, I agree, absolutely, I agree about it. Hmm. एंड uh, ये जो आपने कई सारी चीज़ें आज इस डिस्कशन में कही ना आई एम प्रटी श्योर कि ऑल द मॉम्स वॉचिंग ऑल द किड्स वॉचिंग दिल बी एबल टू रेजोनेट विथ इट बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम जाने अनजाने में करते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जाने अनजाने में गलत करते हैं कुछ चीज़ें जब आप आज कह रहे हैं उनके पीछे का साइंटिफिक बैकग्राउंड तब आज माम्स को रियलाइज हो रहा होगा अच्छा हम ये सही कर रहे थे और इसके पीछे का ये लॉजिक है डेफिनेटली आर एवरीथिंग कभी कभार वो चीजें ऑलरेडी वो करते हैं so, so uh, सो है जो कभी पुराना नहीं होने वाला Definitely. Definitely. ये एक ऐसा रिलेशन है जो हर रोज सुबह एक नए एनर्जी के साथ रीबॉर्न होता है Till the day you are on this planet. Absolutely And it is about time that uh, you know someone focused on that relation, mm. and researched on that relation, mm. and uh, came up with some scientific formulas and methods, that mm. relation better. Better So uh, mm. huge congratulations to you, thank on you. That. <laughs> and a huge thank you for for that <laughs> from you know, all my viewers to work on this beautiful relationship. So dear viewers, that was. संध्या जी on हर एक्सपीरियंस एंड हर रिसर्च on दिस beautiful रिलेशन ऑफ अ मॉम एंड हर चाइल्ड सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये मेथड्स को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए इन मेथड्स को यूज़ कीजिए अपने रिलेशनशिप्स को और बेहतरीन बनाने में एंड इफ़ देर इज़ एनी स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू फील जो आप हमसे शेयर करना चाहें दैन डू शेयर विथ आस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी वुड लव टू नो योर जर्नीज ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन So, on that note, my dear friends, thank you so much for watching this episode. Thank you so much, Sandhya ji, for connecting with us. Thank you so much, everyone. I'll see you in the next episode.